हाय गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज के अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक नेचुरली विटामिन सी ग्लो सीरम शेयर करने वाली हूँ। ये बिल्कुल नेचुरल होने वाला है और ये जो सीरम होगा ये आपके फेस पे जो भी दाग धब्बे हो, चाहे एक्ने मार्क्स हो, चाहे छाइयाँ हो, पिगमेंटेशन हो, फेस बहुत ज़्यादा डल हो गया है, स्पेशली जिसे बोलते हैं सन टैन हो गया है, ये सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दिला के आपके फेस पे एक बढ़िया सा ग्लो ला कर देने वाला है। और इसे बनाने के लिए मैंने नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया है और वो चीज़ है वो आपके सामने है। जी हाँ, मैंने संतरे का इस्तेमाल किया है। आपको क्या करना है, आपको 2 से 3 संतरे लेना है, उसे इस तरीके से छील करके उसका छिलका अलग कर लेना है, क्योंकि हमें इसके छिलके का इस्तेमाल करना है। तो मैंने जो संतरे लिए थे उसे अच्छी तरीके से धो लिए ताकि जो भी उस पर गंदगी वगैरह लगी हो वो साफ हो जाए। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी दोस्तों आप अपने अंदाज के हिसाब से ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 से 3 संतरे का छिलका लिया था तो पानी जो है मैंने आधे ग्लास के करीब लिया है। तो अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं, जैसे 4 से 5 ले रहे हो, तो 1 ग्लास पानी ऐड कर इतना ले जितना कि आपका इसमें अर्क पूरे तरीके से आ जाए। इस तरीके से हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे चढ़ा देंगे उबाल आने तक। तो आप देख सकते हैं मैंने जो संतरे लिए थे उसमें उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। और मैंने यहाँ पे संतरे का इस्तेमाल क्यों किया यह भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो दोस्तों बात करूँ संतरे की, तो संतरे में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। जितना इसके पल्प या जितना इसके फ्रूट से कहीं ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी इसके छिलकों में पाया जाता है। तो जो ऑरेंज पील होता है वो इसमें, जैसे मैंने कहा, इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे फेस पे, चाहे किसी भी तरह के कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे दाग धब्बे हो, छाइयाँ हो, एक्ने हो, ऑयली स्किन हो, पिंपल्स का आना हो, मतलब हर तरीके की प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिलाते हैं और साथ में आपके कॉम्प्लेक्शन को भी फेयर करते हैं। अगर आप चाहें तो नेट पे भी सर्च करके देख सकते हैं कि कितने सारे बेनिफिट होते हैं ऑरेंज पील के। तो इस तरीके से जब इसमें उबाल आना स्टार्ट हो जाए तो हम क्या करेंगे, अपनी गैस की जो फ्लेम है उसे स्लो कर देंगे और उसे हम एक बर्तन से ढक देंगे। इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल जो हमारा पानी है बिल्कुल पक करके आधा नहीं हो जाता, तब तक इसे पकाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने जो पानी डाला था वो पूरी तरीके से आधा हो चुका है, जितनी भी गुडनेस थी सब कुछ इसमें आ चुकी है। तो अब क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसे एक बर्तन में खाली कर लेंगे ठंडा होने के लिए। तो दोस्तों मैंने अपने इस मिक्सचर को इस बोल में खाली कर लिया है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ जो मैं इसमें ऐड करी वो है रोज़ वाटर, और इसे मैं 1 से 2 चम्मच के करीब ऐड करूँगी। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने जितनी क्वांटिटी उस हिसाब से आप ऐड करें, तो मैंने यहाँ पे 1 से 2 चम्मच इसे ऐड किया और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें दूसरी चीज़ ऐड करेंगे वो है एसेंशियल ऑयल, और मैं यहाँ पे ग्रेपफ्रूट एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। जी हाँ, इसमें नेचुरली विटामिन सी पाया जाता है, ये भी आपके दाग धब्बों को बहुत अच्छी तरीके से दूर करता है और ये एसेंशियल ऑयल है। तो आपको सिर्फ इसकी कुछ बूंदे ही ऐड करनी है। मैं इसमें मैक्सिमम 3 से 4 बूंदे ही ऐड करूँगी, और आप मैं जिस ब्रांड का चाहें आप उस ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लेमन एसेंशियल ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा होता है आपके स्किन के लिए। और तीसरी चीज़ जो मैं इसमें ऐड करूँगी वो है विटामिन ई की ये कैप्स, और मैं इसे 1 से 2 के करीब ही ऐड करूँगी, क्योंकि दोस्तों अभी जो मौसम चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ये जो होगा आपकी स्किन को सॉफ्ट भी रखेगा, साथ में आपकी स्किन पे जो भी मैंने बताया जो भी प्रॉब्लम है उसको भी दूर करेगा। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करके एक बॉटल में इसे फिल कर लेंगे। तो मैंने अपने इस सीरम को इस तरीके से एक बॉटल में फिल कर लिया, स्प्रे बॉटल में। आप चाहें तो जो सीरम की जो बॉटल आती है ग्लास बॉटल, आप उसमें भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे एज अ टोनर की तरह भी इस्तेमाल करूँगी, तो इसलिए ऐसे रखा है। और अब मैं आपको इसे अपने फेस पे अपने हाथों पर लगा करके दिखा रही हूँ। लगाने का तरीका ये है कि जब आप अपने फेस को क्लीन करते हैं उसके बाद आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसे इस तरीके से लगाया है और इसे थोड़ी देर के लिए अपने फेस पर छोड़ दूँगी जज्ब होने के लिए, हल्के हाथों से इस तरीके से डैप करते हुए, और ये आपकी स्किन बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। साथ में आपकी स्किन को सॉफ्टनेस भी देंगे क्योंकि इसमें विटामिन ई है, तो ये आपकी स्किन को सॉफ्ट करेगा, हील करेगा, साथ में आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग बनाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा बढ़िया सा ग्लो सीरम, और इस ग्लो सीरम को आप घर पे बना करके देखिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।